पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज, नेदरलैंड्स को बासानी 81 रन से शिकस्त दे दी। 287 रन के ताकुब में नेदरलैंड्स टीम 205 रन बना सकी। आरिस रऊफ के 3 शिकार, हसन अली ने 2 खिलाड़ी ठिकाने लगाए। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर ना चला, मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स, चौथे विकेट पर 120 रन की शराकत बनाई। दोनों ने 68 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का दूसरा मैच 10 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ होगा। नुमैरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी है। नुमैरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्हें कुतुब शुमाली और जनूबी पर कौमी परचम लहराने का एजाज हासिल है। नुमैरा सलीम ने खला पर रवानगी से कबल वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंकी से मुलाकात की थी। कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। बिजली 4.45 रुपए फी यूनिट तक महंगी। बिजली 1.49 रुपए से 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी की गई। पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में टैरिफ बढ़ाया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फीन से अक्टूबर और नवंबर में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। कारगिल का वाकया हुआ आप जानते हैं, और हर चीज पर पानी फिर गया। या तो कारगिल के जरिए ना कश्मीर फतह कर लेते तो आज तारीख और होती, इंटरनेशनल माशी समाजी इंटरनेशनली हमारा बायकॉट कर दिया गया। क्या शहबाज शरीफ का बयानिया नून लीग का बयानिया है? धुआंधार तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं भारतीय वजीर आजम वाजपेयी पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम किया, जो बड़ी अखलाकी कामयाबी थी, लेकिन कारगिल वाकये ने सब पर पानी फेर दिया। या तो कारगिल से कश्मीर फतह कर लेते तो आज तारीख और होती। कारगिल का सारा मलबा नवाज शरीफ पर गिरा दिया गया। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आंख का तारा हूँ जो आप कह रही हैं, तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में? आज तक जो एहतसाब का जो की जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है। वो जो नैब ऑर्डिनेंस था वो मैं तो नहीं लेके आया था। डील करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। शहबाज शरीफ का नाकदीन को जवाब। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कानूनी माहरीन ने वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा कैसे हूँ, मुझे कौन से लड्डू मिल गए? लांडी जेल में डाला गया, जिला वतन किया गया। एहतसाब की लाठी सियासतदानों पर ही क्यों चली? एहतसाब करना है तो सबका यकसां करें। चेयरमैन पीटीआई रिटायर्ड जज लगाकर लीगी रहनुमाओं को 10-10 साल के लिए जेल में डालना चाहते थे। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी से पहले पार्टी दफ्तर में आखिरी रोज। लंदन में पाकिस्तानी सहाफियों से मुलाकात की। कहा बहुतानबाजी से सहाफियों को परहेज करना चाहिए और तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। लंदन में 4 साल में मुजाहिरों का क्या फायदा हुआ? एहतजाज करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। नवाज शरीफ को दिल के आर्जे की अलामत बरकरार। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। बरतानवी अस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। डॉक्टर कार्लो डी मारियो के मुताबिक नवाज शरीफ की नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई, स्टेंट भी डाले गए। अनजाना की अलामत और कोरोना के बाइस पाकिस्तान जाने से रोका था। रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। गैर कानूनी कार्रवाइयों से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया। आर्मी चीफ की कराची में सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ को कच्चे में ऑपरेशन और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बारे भी बताया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 24 रोज रह गए। गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। तमाम कच्ची अफगान बस्तियों के मुतासर अफराद के कवायद फौरी चेक किए जाएंगे।
साथ ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है, जितने भी गैर मुल्की हैं और जो इलीगल रह रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वो खुद वापस चले जाएं। अदरवाइज़ हमने उनको नवंबर 1 तक का टाइम दिया है, और अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर उनको हम बाहर भेज देंगे। लेकिन किसी को भी जो इलीगल है उसको पंजाब में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर कानूनी तारकीन खुद अपने वतन वापस चले जाएं, 1 नवंबर के बाद क्रैकडाउन का सामना करना होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, कहा पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफराद का डेटा हासिल कर लिया है, फहरिस्तें भी बन चुकी। वज़ीर आला ने लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी बात की। भगौड़े यूट्यूबर आदिल राजा की इंडियन खुफिया एजेंसी से राबते, रॉ से जुड़े रोहित शर्मा से हुसुबा एक और ऑडियो वायरल। ऑडियो में भगौड़े आदिल राजा को रोहित शर्मा से बात करते सुना जा सकता है। रोहित शर्मा भगौड़े यूट्यूबर से पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर मालूमात ले रहा है। गद्दारों का महाराजा ट्विटर टॉप ट्रेंड बन गया। साबिक एमएलए सदाकत अब्बासी घर पहुंच गए, अपनी वालिदा से मिलकर रो पड़े। सदाकत अब्बासी पीटीआई टिकट पर एमएलए मुंतखब हुए थे। पंजाब में मोहसिन स्पीड से जरई इनकलाब, वजीर आला मोहसिन नकवी ने जो कहा वो कर दिखाया। मोहसिन नकवी की दिन रात कोशिशों से कपास की चांदी को सोना बनाने का मिशन कामयाबी से आगे बढ़ने लगा। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपये मन मुकर्रर करने की हिकमत अमली कामयाब रही। इस साल कपास की पैदावार में रिकॉर्ड 71% इजाफा हुआ है। आज दुनिया भर में कॉटन डे मनाया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं, टोकन लें, अपनी बारी का इंतजार करें, मरीज चेक करवाएं, दवा लिखवाएं और घर जाएं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राज करने का फैसला, पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। बैंकों की तर्ज पर सहूलियात मिलेंगी। और सितंबर 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन सितंबर करार, औसत आलमी दर्जा हरारत 16.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जून जुलाई और अगस्त भी गर्म तरीन महीने करार दिए गए थे। समुद्री तूफानों की शिद्दत भी बढ़ने लगी, अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ की सतह में भी 18% कमी। 2023 गर्म तरीन, 2024 बदतरीन साल साबित होगा, साइंसदानों ने खबरदार कर दिया।